Once again, welcome class 6 in our online class. Class 6, in our last video, we were reading our chapter number 7, My Childhood. और हमारी रीडिंग आ चुकी थी पेज नंबर 44 पर. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. ये जो घटना घटित हुई थी क्लासरूम के अंदर जब नए टीचर के आने से, और नए टीचर ने अब्दुल कलाम को फ्रंट रो से उठाकर पीछे की रो में भेज दिया था, उनके फ्रेंड जो थे उनके पास से हटाकर. इस घटना को आकर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बताया. लक्ष्मणा शास्त्री समंड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोसाइटी इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. अब आगे क्या हुआ देखो. लक्ष्मणा शास्त्री समंड द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री थे फादर उस बच्चे के, उन्होंने अध्यापक को बुलाया. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही टोल्ड द टीचर, अध्यापक से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, कि सामाजिक असमानता का जो जहर है वो इन बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं उन बच्चों के दिमाग में उस जहर को न घोलें. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज टू क्वाइट द स्कूल एंड द आईलैंड. और उन्होंने बड़े ही ब्लंटली वे में उन अध्यापक से हाथ जोड़कर विनती की कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से विद्यालय को छोड़ दें या इस द्वीप को छोड़ दें, इस आइलैंड को छोड़ दें. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विंसेंस लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. अब इस घटना से, इस बात से सिर्फ अध्यापक ही नहीं, अध्यापक को ही अपने बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. और उनके अंदर लक्ष्मण शास्त्री ने एक भावना जागृत की, जो कि जिस तरह का बिहेवियर वो कर रहे थे उस तरह के बिहेवियर को न दोहराने की, रिपीट न करने की. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. हाउएवर माई साइंस टीचर शिवासु बर्मनिया अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कॉन्जिक्यूटिव वाइफ, वॉज समटाइम्स ऑफ ए रिबल. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. इसी प्रकार से एक और अध्यापक का जिक्र किया गया है, जो कि उनके शिवासुब्रमण्य ईयर थे, साइंस के उनके अध्यापक थे. दो एन ऑर्थोडॉक्स, वो भी ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे, ब्राह्मण परिवार से थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी बिल्कुल अलग विचारों वाली थी. अपोज टू न्यू आइडियाज, कंजर्वेटिव जो नए विचारों को आसानी से नहीं अपना सकती थी, ऑपोजिट होती थी. वॉज समटाइम्स ऑफ ए रिबल, कभी कभी विद्रोह भी कर देती थी. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो द पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली. उन्होंने हर संभव कोशिश की कि वो जो सामाजिक बैरियर्स हैं, सामाजिक बैरियर समाज में लगे हुए हैं, वो उनको तोड़ें और लोग आपस में एक दूसरे से आसानी से मिल सकें. ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वो घंटों तक मुझसे बात किया करते थे और कहा करते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कलाम
तुम अपने अंदर अपने आप को इतना हाईली एजुकेटेड करो कि लोग तुम्हें जाने, बड़े शहरों के लोग भी तुम्हें जाने। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन उन्होंने मुझे घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम वाइफ बींग्स इन्वाइटेड टू डिनर इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि एक शुद्ध पवित्र किचन में मुस्लिम बच्चे को इनवाइट किया जा रहा है। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन द किचन, उन्होंने मुझे किचन में भोजन खिलाने से बिल्कुल मना कर दिया। सुब्रमण्यम एयर वॉज नॉट प्रिटर्ब्ड नॉर ही डिड गेट एंग्री विद हिज वाइफ। अब सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके साइंस अध्यापक थे, उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और ना ही वो अपनी पत्नी से इस बात के लिए गुस्सा हुए। बट इन स्टीड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। क्या क्या उन्होंने गुस्सा करने के बजाय, विरोध करने के बजाय, वो खुद मेरे साथ बैठकर किचन के बाहर उन्होंने खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी किचन के दरवाजे से हमें देखती रही, मुझे देखती रही। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं आश्चर्य में था जब वो हमें देख रही थी कि क्या कोई डिफरेंस है खाना खाने में, चावल खाने में, पानी पीने में और भोजन के बाद फर्श को साफ करने में। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस शिवासुब्रम ईयर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, और जब हम शाम के समय घर से जा रहे थे तब सुब्रमण्यम ईयर ने मुझे एक बार फिर नेक्स्ट वीकेंड पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और जब वो मुझे इन्वाइट कर रहे थे तो मेरे अंदर थोड़ी हिचकिचाहट थी और मेरी हिचकिचाहट को देखकर उन्होंने मुझे अपसेट ना होने के लिए कहा। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि चेंज द सिस्टम को चेंज करने के लिए, तब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक शिवासुब्रमण्यम ईयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। और नेक्स्ट टाइम जब हम उनके घर पर गए न्योते के लिए, उनके अनुसार जो न्योता था, तो इस बार उनकी पत्नी ने खुद किचन के अंदर बैठा कर अपने हाथों से हमें सर्व किया भोजन। ठीक है बेटे, आज की रीडिंग यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट लास्ट, चलो एक ही पैसेज रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तभी क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो जाता है और भारत भी आज़ाद हो जाता है। इंडियंस विल बिल्ट देयर ओन इंडिया, अब भारतीयों को अपना भारत बनाना था, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म, सारा देश खुशी में झूम उठा था ब्राइट चीज़ों की। उससे आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमनथमपुरम, और मैंने अपने फादर से परमिशन ली रामेश्वरम को छोड़ने की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि रमनथमपुरम में स्थित था वहाँ पर स्टडी अपनी आगे की कंटिन्यू करने की। तो बेटे आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट आज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही, वीडियो की हेल्प से आप अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी करें, पढ़ें इसको ध्यान से। ओके एंड बाय।